हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो प्याज के पकोड़ों की है। चले हम बनाते हैं। 3 से 4 प्याज कट की हैं। अभी 3 से 4 अदद ये हरी मिर्चें कट की हैं और थोड़ा हरा धनिया बारीक कट किया है। अब हमने एक प्याली चने का आटा लिया है, 1 से 1.5 प्याली चने का आटा। उसमें सारी प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, थोड़ा सा खाने का सोडा और थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, फूड कलर अगर डालना हो, इसका कलर बहुत अच्छा आता है इससे। ये कुछ हरा धनिया है, हरी मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को इस चने के आटे में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना हसबे ज़रूरत होगा। थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब ये मैश कर हो गया है सब, इसको 5 से 10 मिनट रखा रहने दें। ये एक फ्राई पैन लेकर इसमें मैंने तेल डाला है। ये आप चम्मच की मदद से इसमें पकोड़े अपने हिसाब से डालती जाएं, बड़े छोटे जो आपको मुनासिब जितने लगते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ में डाले हैं। यहाँ इसमें हम सब पकौड़े तल लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। अगर हम इस टाइम पर इसे घुमा लेंगे तो ये टूट सकते हैं। इसे थोड़ा होने दें, फिर इसके बाद पलटें। अभी ये तकरीबन हो गए। अब मैंने इसको पलटना शुरू किया है। ये देखें इसका कलर, ये गोल्डन कलर के होने चाहिए। अब हम इसको सबको उल्टा कर लेंगे। जब ये दूसरी तरफ हो जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो गए। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय वगैरह में। चलिए अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए अल्लाह हाफिज़।